मुझे पता था कि दिल्ली के जो हमारे लीडरान हैं वो मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन इतना ज्यादा वो मुझे मुझसे नफरत करते हैं या मुझे पसंद नहीं करते, इसका अब मुझे एहसास हो गया है। पिछले दिनों जब मैंने बारामूला से इलेक्शन लड़ा, जेल से एक उम्मीदवार खड़ा हुआ, मेरे खिलाफ कागज भरे, फिर मोबाइल फोन से अपनी आवाज रिकॉर्ड की, जगह जगह पहुंचाया, इलेक्शन का नतीजा आपके सामने है। मैंने उस वक्त ये समझा कि जैसे इसने पहले भी इलेक्शन लड़ा है, इस बार फिर उसने अपनी किस्मत आजमाई, शायद मेरी ही किस्मत खराब थी कि वो जीता मैं हारा, लेकिन मुझे इसमें साजिश नजर नहीं आई। पिछले दो तीन दिनों से अब मुझे शक होना शुरू हो रहा है कि शायद वहां पे भी दाल में कुछ काला है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता इस पूरे माहौल में सिर्फ जेल से लोग मेरे खिलाफ कागज क्यों भरते हैं, और वो लोग जिनका यहां से कोई लेना देना ही नहीं, जिसके पिछले हफ्ते कागज नामंजूर हुए, आखिर उसके साथ क्या अरेंजमेंट रहा कि बाकी तमाम सीटें छोड़ के उसने कहा नहीं मैं गांदरबल से लड़ूं, और जब गांदरबल से उसके लड़ने की खबर आई, मैंने अपने कुछ साथियों से मशवरा किया, मैंने कहा ना मुझे इसमें कुछ साजिश नजर आती है, लेकिन मैं इसको साबित करना चाहता, और साबित करने का मेरे पास एक तरीका है, लेकिन हम इसके बारे में किसी से बात नहीं करेंगे। मैं ऐसा करूंगा, मैं गांदरबल के अलावा एक दो और सीटों से फॉर्म निकालूंगा, और फिर मैं किसी को नहीं कहूंगा कि मैं फॉर्म भरने कहां जा रहा हूं, मैं देखूंगा क्या होगा। हमने ना बड़गाम का ऐलान किया ना बीरवा का ऐलान किया, फॉर्म रखे और खामोश हुए, लेकिन हमारे जो दिल्ली के मुखालिफ हैं, एजेंसियां हैं, ये बाकी लोग हैं, इनको शायद दिमाग में कीड़ा बैठा कि क्योंकि मैंने इलेक्शन एक बीरवा से लड़ा है, मैं शायद इस बार भी बीरवा जाऊंगा। इन्होंने उस जेल के कैदी को पहले गांदरबल से कागज भरवाए, फिर सुबह सुबह दौड़ के उन्होंने उसको बीरवा पहुंचाया। मैंने तैयारी रखी थी बड़गाम की, उनको धोखा पड़ा। अब वो बेचारा अब पता नहीं, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, अब वो बेचारा जिसने इनके कहने पे अपनी पूरी तैयारी बीरवा की रखी थी, वो फंसा बीरवा में, मेरे कागज हुए दर्ज बड़गाम में। अब मुझे इस बात की बेहद तसल्ली है कि ये दिल्ली की एजेंसियां जो हैं, ये वाकई बड़ी बड़ी एजेंसियां हो, लेकिन हम लोगों में से भी दिमाग कोई कम नहीं है, हम भी इनको उल्टा फंसा सकते हैं। अब आ गया है इवीको, एक ऐसा L5 इलेक्ट्रिक ऑटो जो करेगा आपकी हर समस्या का समाधान और देगा हर ऑटो को मत। जी हाँ, ई राइड है एक ऐसा इलेक्ट्रिक ऑटो जिसमें ड्राइवर सहित 7 लोगों के आराम से बैठने की जगह है, जबकि 6 सवारी बिठाना भी है अलाउड। 10,000 वॉट की पावरफुल मोटर चढ़ जाएगी खड़ी चढ़ाई, 17 किलोवाट की 230 AH की बैटरी देती है, 150 किलोमीटर से भी अधिक की माइलेज, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ, क्योंकि इसमें लगा है एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जबकि बैटरी चार्ज करने के लिए है एक इजी होम चार्जर, उबड़ खाबड़ सड़कों के लिए मजबूत शॉकर, सस्पेंशन वो बड़े टायर, चोरी से बचाव के लिए इसमें लगा है GPS सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले, मजबूत मेटल बॉडी के साथ, मैदानी इलाकों में चलने के लिए है इको मोड, जबकि पहाड़ी इलाकों में चलने के लिए है पावर मोड। ई राइड में है चमकदार इंडिकेटर और तेज रोशनी की हेडलाइट। इसमें आपको मिलेगा इनबिल्ट मोबाइल चार्जर, फायर इंस्ट्रूमेंट,
फर्स्ट एड किट और दमदार ब्रेकिंग सिस्टम भी। यानी अब सभी इलेक्ट्रिक ऑटो से ई राइड है सबसे अधिक दमदार, वो पावरफुल, और ये मात्र पैसेंजर में ही नहीं बल्कि कार्गो में भी उपलब्ध है, वो भी अधिक स्पेस के साथ, जिसे कहा जाता है छोटा हाथी। तो देर किस बात की, आज ही आए और ले टेस्ट राइड। हमारा पता है जम्मू एचईवीज प्राइवेट लिमिटेड, यार्ड नंबर 6, प्लॉट नंबर 37, ट्रांसपोर्ट नगर, मेन स्ट्रीट, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780868883, 9070770000। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।